क्या ही है काउंटर जो मेन फोर्ट एरिया चढ़ना कितना डिफिकल्ट होगा पता नहीं लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। महाराष्ट्र के नासिक जिले का त्रिंबकेश्वर माउंटेन रेंजेस का एक ट्रैक करने के लिए आया हूँ मैं आज। ये जो पीछे दिख रहा है ये है हर्षगढ़, जिसे अब हरिहर फोर्ट के नाम से या हरिहर किले के नाम से जाना जाता है। यादव डायनेस्टी में गोंदा ट्रेड रूट्स मॉनिटर करने के लिए बनाया गया किला है। हरिहर फोर्ट आने के लिए दो विलेज बेसिस है, एक है मिरगुड़पाड़ा और एक है जहाँ से मैं आया हूँ दैट इज हर्षवाड़ी। दे सेड एंड बिलीव दैट मिरगुड़पाड़ा से हरिहर फोर्ट आने के लिए 3 hours लगता है वन वे एंड हर्षवाड़ी से हरिहर फोर्ट आने के लिए लगता है 2 to 2.5 hours। 1636 में त्रिंबक और पुणे के कुछ फोर्ट्स के साथ हरिहर फोर्ट भी खान जमान को सरेंडर किया गया था। उसके बाद 1818 में ब्रिटिशर्स ने सारे फोर्ट्स को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर निकाला था। उस समय कैप्टन ब्रिक्स को हरिहर फोर्ट के साथ और 17 फोर्ट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था। 80 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्शन देखकर कैप्टन ब्रिक्स ने अपने आप को रोक लिया। कैप्टन ब्रिक्स ने हरिहर फोर्ट को डिस्ट्रॉय करने से मना कर दिया। 20 विलेजेस से जब देखते हैं तो हरिहर फोर्ट एक रेक्टेंगुलर शेप में दिखता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म फॉर्म में है। तो ओमनाथ निरगुड़े बोल के एक गाइड था, तो मैंने इसको बोला भाई चल मेरे साथ क्योंकि जय जंगल के अंदर से जाना है। मैं आज आया हूँ एक वीक डे पे, फ्राइडे पे। मैं ये सोच के आया क्योंकि गर्दी नहीं चाहिए था मेरे को, वहाँ पे ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए था। तो देन लकीली गर्दी नहीं है लेकिन रास्ता बहुत टफ है। ये बंदा है साथ में इसलिए कोई टेंशन नहीं है। दिस इज द रूट वेयर वी हैव टू गो। मैं और सोमनाथ भाई आराम से चलते हुए हरिहर फोर्ट की तरफ निकल पड़े। हरिहर फोर्ट का जो मेन फोर्ट एरिया चढ़ना कितना डिफिकल्ट होगा पता नहीं लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। 1/4 पोर्शन भी नहीं पहुँचे हम लोग। क्या ये आम? आम कितू सा बहुत अच्छा है, ये तो बहुत मीठा है, एकदम नेचुरल है। तब नहीं पेस्टिसाइड्स। जब जैसे ट्रैक स्टार्ट किया था मेरे को ऐसा लग रहा था कि रास्ता ढूंढने के लिए थोड़ा सा टफ होने वाला है, लेकिन अपने लोगों ने इतना अच्छे से वेस्ट डाला है, इतना अच्छे से प्लास्टिक फेंका है सब जगह पे। यू कैन इजीली फाइंड योर रूट, सब जगह बॉटल्स जो रूट पे है वही सब जगह पे प्लास्टिक डाला हुआ है, विच इज़ बैड। मुझे वो आम कुछ ज़्यादा ही पसंद आने के कारण सोमनाथ भाई और आम ढूंढने के लिए निकल पड़े और हम आम खाते खाते एंजॉय करते हुए ट्रैक कर लेते। ठीक 45 मिनट के बाद हम लोग पहुंच गए सोमनाथ भाई की शॉप पे। यहाँ पे 2 नींबू पानी पिए एंड एक पानी का बॉटल लिया है जस्ट इन केस अगर हमको लगेगा। तो यहाँ से ठीक 10 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे उस स्टेप्स के स्टार्टिंग पे एंड देन उसके बाद हमें चढ़ना है। हंड्रेड एंड 17 स्टेप्स है। हाँ 80 डिग्री के एंगल में है, स्टीप है। इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट बट हाँ ये देखो क्या है, जैसे सीधा खाई दिख रहा है। और क्लियरली देखो स्टेप्स कैसे खतरनाक है। उस महादरवाजे को आज भी मेंटेन किया गया है। जैसे तुम महादरवाजे से अंदर आते हो तो तुम्हें ये फोर्ट्रेस एक्चुअली टूटा हुआ दिखता है, बट यहाँ से एक्चुअली बहुत ही नैरो पाथ है जाने के लिए, सर झुका के जाना पड़ेगा। यहाँ पर जब आओगे तो बी वेरी केयरफुल, एक छोटी सी गलती और तुम नीचे।
1 hour 45 minutes के बाद हम लोग पहुँच गए हरिहर फोर्ट के ऊपर, लेकिन ये अभी तक हम लोगों ने अकम्प्लिश नहीं किया है क्योंकि इसके आगे है बाल किला जो हमें कवर करना है। ऊपर पहुंचने के बाद तुम्हें हनुमान जी का एक मंदिर और कई शिवलिंग दिखेंगे जिसकी पूजा हर ट्यूसडे को की जाती है, और उसके नज़दीक ही कुछ वाटर टैंक्स भी दिखेंगे। पुराने ज़माने में यहाँ पर ग्रेन्स रखा जाता था एंड देन, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं, कुछ चीज़ें ऐसा अच्छा इसके अंदर सब लोगों ने नाम वाम सब लिख के रखे, सब ख़राब करके रख दिया है। एंड यहाँ पर भी कुछ मल्टीपल वाटर टैंक्स है, यहाँ पर 5 है, और इस तरफ जो है ट्राइंगुलर प्रिज्म का जो फॉर्म है वो तुम्हें अभी क्लियरली समझेगा। ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, और ये है बाल किला, ये है हरिहर फोर्ट का हाईएस्ट पॉइंट। हरिहर फोर्ट का एक अनएक्सप्लोर्ड जगह पर आया हूँ मैं, ये है हरिहर फोर्ट का चोर दरवाज़ा। ये देख के तुमको लगेगा ये जाने के लिए कुछ रास्ता नहीं है, बट देन लेकिन अगर तुम यहाँ से देखोगे तो इसके नीचे से तुम्हें गुफा दिखेगा, यहाँ से जाने का रास्ता है। तो यहाँ पर एक आदमी जब आएगा यहाँ से रस्सी फेंका जाएगा एंड देन उसको खींच के ऊपर लेते हैं। इसका जो रास्ता है मैं वहाँ जाने के बाद वहाँ से दिखाता हूँ, वो एरिया से ऐसे यहाँ से निकलते एंड देन यहाँ से जाते नीचे। अभी कुछ लोगों का कहना है यहाँ पर जो पानी का कुंड है वहाँ पर नहाने के लिए भी जाते थे ना यहाँ से एंड रिटर्न यहीं से आते थे। भाई ये फोर्ट पे अटैक करना वॉज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वहाँ से मैंने तुमको दिखाया वो गुफा जो चोर दरवाज़ा था, और वो रास्ता यहाँ से निकलता है और यहाँ से सीधा नीचे की तरफ वो कुंड में, कुंड के यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर। अब था सबसे टफेस्ट पार्ट जो कि नीचे उतरना था। नीचे उतरते टाइम जितना ध्यान चढ़ते टाइम रखा था उतना ही ध्यान नीचे उतरते टाइम भी रखना है। ये जो स्टेप्स बनाया गया है ये सेकेंड टाइम बनाया गया है, इससे पहले ये स्टेप्स थे ऐसे साइड में जो बनाया गया था, ये तो इससे ज़्यादा स्टीप था, और अगर वो होता तो मुझे नहीं लगता कि लोग यहाँ पर आके ट्रैक कर पाते थे। क्योंकि ये देखो यहाँ पे एक ब्लॉक है एंड देन उसके बाद यहाँ पर ऐसे काव किया हुआ है रॉक पे ऐसा स्टेप्स, तो पहले का जो स्टेप्स था वो इस तरीके से था यहाँ से साइड पे से। भाई आराम से यहाँ से साइड से जाते थे। ओके 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 ओके, कोई यहाँ पर आके ये करना नहीं क्योंकि अगर गलती से भी पैर सटका ना वो सिर्फ उसका एक पैर रखने का पत्थर था वहाँ पर, एक पैर भी पूरा नहीं आधा रख रहा था उस पर सटका तो इधर हाथ पे देखो पूरा वो सैप हो गया। रिटर्न आते टाइम भी हम वही आम खाते खाते आ रहे थे। पहुँच गया विलेज बेस, अब लूँगा मैं गाड़ी एंड निकलूँगा त्रिम्बकेश्वर के लिए।